तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिल्क एन्चेंटमेंट के बारे में। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में सिल्क एन्चेंटमेंट पर मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिल्क एन्चेंटमेंट को हम अपने वेपन्स और टूल्स पर कैसे लगा सकते हैं। तो इसको बताने के लिए चलिए चलते हैं एन्चेंटमेंट टेबल के ऊपर। दोस्तों जब आप सर्वाइवल मोड में खेलते हैं माइनक्राफ्ट तब आपको एन्चेंटमेंट के लिए एन्चेंटेड टेबल की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही में पड़ेगी लाफिस लजुली की। तो लाफिस लजुली की मदद से आप देख सकते हैं इस तरह से एन्चेंटमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपकी एक्सपी के अकॉर्डिंग आपको एन्चेंटमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप लाफिस यहाँ पर रख दीजिए, देन आपको एन्चेंटमेंट अपने आप यहाँ पे शो होती रहेंगी। जो एन्चेंटमेंट का लेवल है वो भी आपकी एक्सपी के अकॉर्डिंग और आपके लेवल के अकॉर्डिंग अप होता रहेगा। तो यहाँ से आप एन्चेंटमेंट टेबल की मदद से अपने वेपन्स को और टूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रेजर में और किसी जगह पर या फिर विलेजर से ट्रेडिंग करके अगर आपको कोई बुक्स मिलती है तो उसका इस्तेमाल आप एनविल के साथ करके भी अपने वेपन्स और टूल को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी सिल्क टच की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे सिल्क टच आपको बुक्स को वेपन्स पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दो पे कर चुके हैं, देन स्वॉर्ड पे आप सिल्क टच अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब लेते हैं शॉवेल, शॉवेल पे हम लगा देंगे सिल्क टच, देन लेते हैं हुई, हुई पे भी हम सिल्क टच लगा सकते हैं। तो चार ऐसे वेपन हैं जहाँ पर सिल्क टच अप्लाई होता है। तो सिल्क टच से अब होता क्या है, तो अब देखिए नॉर्मल जब मैं डायमंड के शॉवेल से ग्रास ब्लॉक को तोड़ रहा हूँ तो हमें डर्ट मिल रहा है, आपके सामने है। पर जब सिल्क टच लगा हुआ शॉवेल में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा ग्रास ब्लॉक है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं जब हम शॉवेल जो सिल्क टच लगी हुई है उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें पूरा का पूरा ब्लॉक मिलता है। अब बात करते हैं पिकेक्स की। तो डायमंड पिकेक्स से जब मैंने आयरन को यहाँ पे तोड़ा तो आप देख सकते हैं मुझे रो आयरन मिला। बट सिल्क टच की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा ब्लॉक मिल चुका है। तो डायमंड के एक्स से जब हम लीव को तोड़ते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। बट अगर सिल्क टच लगा हुआ एक्स यूज़ करते हैं लीव्स पे तो हमें लीव्स के भी ब्लॉक मिल जाते हैं। तो यही फ़ायदा है सिल्क टच लगे हुए टूल्स का, तो हमें कहीं पे भी इस्तेमाल करने पर पूरा का पूरा ब्लॉक मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिल्क टच के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।